मोहनलाल सुखाड़िया, इनका नाम तो आपने जरूर जरूर सुना होगा। इन्हीं के नाम पर हमारे राजस्थान में कई सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाज हैं। वहीं अब इन मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में क्यों ना थोड़ा और विस्तार से जाना जाए। राजस्थान के मेवाड़ से आने वाले दिग्गज नेता रहे मोहनलाल सुखाड़िया के सिर महज 38 साल की उम्र में राज्य के मुख्यमंत्री का सहरा सज गया था। जब वे सूबे की सत्ता पर काबिज हुए तो अगले 17 साल तक उन्हें कोई हटा नहीं पाया, ना तो विपक्ष और ना ही कोई आलाकमान। इनके लिए कहा जाता है वह पैदल ही घुमा करते थे और सड़कें नापते थे, खेतों में जाकर खुद ही किसानों से मिलाया करते थे। वहीं इन जन नेता मोहनलाल सुखाड़िया के इस उपनाम और शादी को लेकर कुछ किस्से हैं, तो चलिए जानते हैं। 60 के दशक में मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक लोकप्रिय और जमीनी नेता के रूप में जाना जाता था। वहीं 31 जुलाई 1916 को राजस्थान के झालावाड़ में जन्मे सुखाड़िया के पिता क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। पिता पुरुषोत्तम सुखाड़िया बम्बई और सौराष्ट्र क्रिकेट टीमों के लिए खेला करते थे। वहीं पुरुषोत्तम मूलतः गुजरात के सूरत नगर के निवासी थे। कहा जाता है कि गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई सुखड़ी बनाने वाले परिवार से उनका नाता था, इसलिए उनका उपनाम सुखाड़िया पड़ गया। वहीं वर्तमान में सुखड़ी मिठाई से बना सुखाड़िया उपनाम मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। दरअसल गुजरात का एक प्रसिद्ध घरेलू मिष्ठान सुखड़ी देशी घी, भुने हुए आटे और गुड़ से तैयार बर्फी नुमा एक मिठाई है। वे परिवार जो इस मिठाई की व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते हैं, उन्हें ही गुजरात में सुखाड़िया कहा गया है। वहीं क्या आपको ये भी पता है कि मोहनलाल सुखाड़िया जो 17 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी शादी को लेकर विरोध हुए थे, यहाँ तक कि बाजार भी बंद हो गए थे। दरअसल मोहनलाल सुखाड़िया और इंदुबाला की शादी खुली बगावत से कम नहीं थी। जैसे उनके नाम से लेकर रोचक किस्सा है, वैसे ही खास उनकी शादी से जुड़ा एक किस्सा। उदयपुर के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को मानने वाले वैष्णव मत के अनुयायी है। आजादी के समय यहाँ के मंत दामोदास तिलकायत को क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने पुरुषोत्तम सुखाड़िया को नाथद्वारा बुला लिया। वहीं मोहनलाल सुखाड़िया के बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। महंत ने सुखाड़िया को अपने बेटे की तरह पाला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करवाया, जिसके बाद वह मुंबई में पढ़ाई के दौरान कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। वहीं उदयपुर वापस लौटे तो इलेक्ट्रिक सामानों की दुकान खोल ली, लेकिन उनकी दुकान व्यवसाय कम राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र ज्यादा रही। इस दौरान उनका संपर्क इंदुबाला से हुआ। आर्य समाजी परिवार से ताल्लुक रखने वाले इंदुबाला और मोहनलाल ने शादी करने का मन बना लिया। वहीं मोहनलाल की माँ वैष्णव मत को मानने वाली थी। इंदु और मोहन ने तय किया कि दोनों के पास के कस्बे ब्यावर जाएंगे, यहाँ आर्य समाजियों का प्रभाव था। वहीं 1 जून 1938 को दोनों ब्यावर में थे, आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। उनके पहुंचने से पहले ही नाथद्वारा में इस शादी की खबर पहुंच गई। पूरे नाथद्वारा का गुस्सा ऐसा कि शादी के विरोध में अगले दिन बाजार बंद हो गया। उस दौर में रूढ़िवादियों के बीच अंतर जातीय विवाह कर उन्हें सामाजिक क्रांति का ही बिगुल बजाया। प्रोफेसर मिश्रीलाल मांडोत लिखते हैं कि एक वैश्य युवक जात पात के बंधनों को तोड़कर रूढ़िगत मान्यताओं से विमुक्त होकर जीवन की एक नई दिशा में चल पड़ा था। उस दौरान उसके नौजवानों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था। बीच जब वे विवाह के बाद नाथद्वारा पहुंचे तो अपनी माँ का आशीर्वाद भी पाना चाहते थे। वहीं सुखाड़िया के मन में तब बहुत कुछ चल रहा था। वे सोच रहे थे कि जो माँ उन्हें बचपन से स्नेह करती रही, पालती रही और हजारों कल्पनाएं संजोती रही, वही आज मिलने में आत्मग्लानी और घृणा कर रही है। उनके लिए विषम परिस्थिति थी। तब उन्होंने सोचा कि इसमें माँ का भी क्या दोष है, वह ऐसे ही वातावरण में जो पली थी। बावजूद इन सब के सुखाड़िया आखिर एक ही विश्वास के बूते संतोष करके बैठ गई कि शायद माँ का आज का आक्रोश कल आशीर्वाद बन उठे। इसी मानसिक विश्वास का सूत्र लेकर वो उज्ज्वल भविष्य के अच्छे दिनों के इंतजार में चुप हो गए, जिसके बाद स्वाभाविक तौर पर माँ के भीतर अपने पुत्र के लिए ममता जागी और उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया।